ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए, अब कोई भी एग्जांपल लो, मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मतलब 1U, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1U, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1U, है ना, ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1U, हाइड्रोजन 1U। तो आप देखिए 1U, और सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। अगर ग्राम एटॉमिक मास होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, अगर एटॉमिक मास आप लिखो 1U, ग्राम एटॉमिक मास लिखोगे 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम लिखोगे, और 1 ग्राम 1 मोल एटम हाइड्रोजन के, 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल एटम, 1 मोल एटम इसके क्या है, 1 मोल एटम को आप लिख सकते हो 6.022 × 10⁻²⁰ × 10⁻²³, है ना, 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया? तो देन सिमिलरली 16, अगर ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन की भी ऐसे ही बोलोगे, ऑक्सीजन क्या है 16U, तो 16U ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक मास 16U ऑक्सीजन, है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के उसमें 1 एटम ऑक्सीजन रहता है, है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब दैट इज क्या होता है, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 6.022 × 10⁻²³, ठीक है, 10⁻²० एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये सब जगह में एक ही वैल्यू पुट होता है, अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेशन कुछ करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेशन करोगे, आपको 2-3 फॉर्मूला आपको पहले याद करना है। नंबर वन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं एन से, इसके आप लिखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास हम लिखते हैं जी एम बाई एम मोलर मास, है ना। अब देखिए, अब दूसरा आप लिखो, दैट इज नंबर 2 फॉर्मूला में आता है नंबर ऑफ एटम्स, इसको नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स स्लैश पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी चीज के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन है नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखिए, नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन दिया 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फॉर्मूला क्या है, देखिए दैट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला में बैठा दो, फॉर्मूला में क्या बैठा होगा, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या दे दिया आपका, गिवन मास इज इक्वल्स टू दैट इज 52, मोलर मास क्या हो गया 4,
काटो, मोलर मास क्या है, हाइड्रो हीलियम के मोलर एटॉमिक मास होते हैं 4, है ना, तो मोलर मास 4 हो गया, हीलियम के एटॉमिक मास 4 होता है, तो 4U, तो इससे काटने से आपको आ जाता है आंसर, तो दैट इज 13, समझ में आया, कितने आता है 13, तो आपको ये 13 लिखो यहाँ 13, है ना, ये ए फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको क्या है, दैट इज नंबर 2 में है क्वेश्चन, दैट इज 12.044 × 10^10 क्वेश्चन में है, 12.044 × 10^23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम एटम्स, तो इसको कैसे निकालोगे, तो 1 मोल इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^23, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ये जो है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन मास अपन मोलर मास, तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होता है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर हो जाता है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए एन बाय एन जीरो, एन इज इक्वल्स टू एन बाय एन जीरो, एन इज इक्वल्स टू एन बाय एन जीरो, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, द एन बाय एन जीरो, दोबारा मैं करती हूं, तो एन इज इक्वल टू एन बाय एन जीरो इज इक्वल टू 12.044 × 10^23 और अपॉन होते हैं 6.022 × 10^23 और इसको काटने से ये कट जाता है, 2 होता है, तो दैट इज 2 आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका मतलब कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन आपको आ गया होगा, इतना ही चैप्टर, और आप लोग अच्छी तरह से करो, कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा प्रॉपरली और तरीके से, वेल सारे क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करोगे। थैंक यू वेरी मच।